This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mughal Darbar, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Clothes Store and by Madina Chicken World. आखिरकार वो दिन आ गया जहां पर गुलबर्गा एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग मुकम्मल हो चुकी। DA-40 और DA-42 एयरक्राफ्ट आज ट्रायल लैंड कर चुके हैं गुलबर्गा एयरपोर्ट पर। ये ट्रायल लैंडिंग एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से हुई। इसको वक्त देने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ इंचार्ज मिस्टर प्रियंक खड़गे और एमएलए नॉर्थ कनिष फातिमा जी और एमएलए साउथ अपू गोड़ा जी, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर एसपी और सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाले मौजूद थे। A big round of applause to all the departments, starting with the PWD who has worked their skins out to achieve this trial landing. काफी सारे लोग ने एशिया पैसिफिक को भी क्रेडिट किया। पुलिस डिपार्टमेंट ने मोर देन 400 ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया था सिक्योरिटी के लिए। आम जनता को भी इसमें इनविटेशन था और उन्होंने भी जमकर इस ट्रायल लैंडिंग को एंजॉय किया। सबसे पहले एयरक्राफ्ट जो आई वो है DA-42, जहां पर एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी के CEO हेमंत साहब भी मौजूद थे। उसके बाद एक और फ्लाइट आई DA-40 जो कि सिंगल इंजन थी। दो नए ट्रेनिंग स्कूल आने की बात चल रही है गुलबर्गा शहर पर, जहां पर लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कोई यहां से पायलट भी बन सकता है और कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी। उम्मीद करते हैं कि ट्रेनिंग स्कूल के साथ साथ गुलबर्गा का डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी जल्द से जल्द ओपन हो जाए। If you like this video, please join us on our WhatsApp group 9113542278 and please like and share in each group so that let us make Gulbarga proud. ये तो अच्छा हो गया सबके लिए और गुलबर्गे के लोग खुश हैं, लेकिन इसको उड़ान स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रेफरेंस देना चाहिए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उड़ान स्कीम में ये आ जाए जिसका फ़ायदा आम लोगों को हो, यही हम चाहते हैं। और लोग भी यहाँ के सस्ते में फ्लाइट हर जगह पहुंचे। प्रियंक खड़गे जी जो कि इंचार्ज मिनिस्टर हैं, सर योर थॉट्स अबाउट द एयरक्राफ्ट टुडे सर लैंडिंग। ये एक बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज जो हमने टेस्ट फ्लाइट किया है वो आगे वाले दिनों में हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में परमिशन भी मिल सकता है और ये रीजनल कनेक्टिविटी की जो बात हम हमेशा करते हैं वो इससे साबित होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर रेडी, ऑलमोस्ट रेडी एंड इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी स्टार्ट ऑपरेटिंग कमर्शियली। इट्स द सेकेंड लॉन्गेस्ट रनवे इन कर्नाटका एंड द 10th लॉन्गेस्ट रनवे इन इंडिया। सो द रीज़न वाई वी हैव डन दिस इज़ टू एंश्योर दैट वी गेट बिगर एयरक्राफ्ट probably some years later. So if a A320 can land, then it's going to ensure that more people come in this way. So whether it's for tourism or for industrial purposes, probably in another decade or so, Gulbarga might see a drastic change in those things. Fine, your thoughts about the training schools coming up here in Gulbarga, sir? No, ये तो चार साल से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो चार साल की जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है
तो अभी सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं है, वी हैव टू इंश्योर दैट वी गिव प्रॉपर स्किल सेंटर्स ऑल्सो, सो इट्स जस्ट नॉट फ्लाइंग स्कूल, सो इवन द एलाइड ट्रेनिंग स्किल सेट्स इज व्हाट. तो आज बैठ के चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या रहता है. So I got with me the DC Sri Venkatesh. Venkatesh, it's been a dream project under your supervision. It has all been done, and security we have seen is almost outstanding. So your views about this? So today we conducted trial landing in Gulbarga Airport with by the Asia Pacific Flight Training School from Hyderabad. So we landed two trainer aircrafts, one twin engine and one single engine. So we planned earlier also twice, but we couldn't do because of weather conditions and other unavoidable reasons. But today everything is good, weather is good, and there are a lot of people, public also, they came to witness the trial landing. So everything went well. We had a good landing also today. So I hope that this will inspire the entire region. And two more flying schools are going to come up here shortly. Maybe in another month, so that every day there will be some activity, flying activity in Gulbarga, and we'll get some revenue also, which will help in maintaining airport also. Shortly, in another 3 to 4 months, we'll complete the airport, and the scheduled operations will begin. Thank you so much, and all the very best. Thank you so much, sir. Thank you so much. So currently, I've been caughting up with SP sir, जो कि काफी यहाँ पर officials को deploy किए थे sir. Security को बहुत ज़्यादा focus किया गया था sir. What was the reason exactly, sir? This is the first trial landing, so threat will not be from human beings, at least as of now. But it is possible that some animals, some birds may come, and also public have also come in very large number. Yes. So in the enthusiasm of looking the aircraft from the closest distance, yes, they should not breach the barricade and get into the runway. Exactly. And two aircrafts have come today. Exactly. And a lot of VIPs have also come. Can you? In the larger interest of the security of the runway, aircraft, and also VIPs and general public. So मेरे साथ फिलहाल हेमंत सर जो कि CEO है एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी के, तो वो यहाँ पर आए हैं. पहले फ्लाइट में वो ही बैठे थे सर. How is your experience coming to Gulbarga sir? Very nice, very nice. Sir, what do you say sir, एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग आगे चल के what is the focus sir? Well, focus is to continue flight training. Yes. We need more pilots, so we continue to train good pilots. So any message to our people of Gulbarga sir? Oh, very happy, congratulations, a beautiful runway, beautiful airport, and I wish you all the best. Right, sir. Thank you so much for giving valuable time. अर्जुन साहब, ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो था अब हो चुका है, दोनों एयरक्राफ्ट लैंड हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत खुशी की बात है, और मैं तमाम गुलबर्ग वालों को और गुलबर्ग के अतराफ अकनाफ के तालुक जात के लोगों को तमाम मैं मुबारकबाद देता हूँ. सर, जो लोग आज भी थोड़ा इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, जनवरी या फरवरी 2019 में, उसके बाद सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे. राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत खुशी हुई साहब, बहुत बहुत अजीज साहब की तरफ से हम लोग को आने का मौका मिला. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इंतजाम रहा, काफ़ी मुबारकबाद सब गुलबर्ग के लोग. Gulbarga will come in the aviation map of India. A lot of opportunities are there. A lot of companies now will look forward to come. It will take some time, but it will definitely come. So we have just made a start today. Like. Sense of your experience about Gulbarga before the landing and after the landing, what is your... You're is, knowing Gulbarga? Yes, yes, I know Gulbarga. I've overflown the city quite many times since last 10 years. Okay. So I'm seeing the city for last 10 years, but it is absolutely a pleasant experience to land in the same city which I was overflying during all my last 10 years of my flying. It's a nice big runway, so a lot of prospects in the future, I think. When we land over here, we saw a female, so that is a very, very good achievement for women empowerment. So what do you want to give a message to our city? Yeah, thank you. I feel that there are a lot of women should be coming into the aviation in future. We require a lot of women pilots also. Gulbarga के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, जो काफी सालों से जो इंतजार था Gulbarga में एयरपोर्ट का, तकरीबन मैं समझता हूँ 15-20 साल से इसके इंतज़ार में थे. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत कोशिश करके इसको जो है ये लेवल पे ला लिया. इंशाल्लाह एक साल डेढ़ साल के अंदर शायद डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से. तो बहरहाल अवाम के लिए बहुत खुशी की बात है, और एक नया डेवलपमेंट है गुलबर्गा के लिए. जैसे कि आप सब देख रहे हैं, गुहाज फिलहाल हम हैं गुलबर्गा एयरपोर्ट पर, जहाँ पर आज दोनों फ्लाइट्स D40, D42 आज यहाँ पर आ चुके हैं. तो काफ़ी बड़ा इंतजाम यहाँ पर हुआ. तो मेरे साथ फिलहाल वक्त दे रहे हैं मजा खान साहब. खान साहब, आज की जो फ्लाइट जो आज यहाँ पर आई है, उसके बारे में आज हमारे जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं तहे दिल से तमाम अवाम की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की ये कोशिश थी कि यहाँ पर गुलबर्गा में जल्द से जल्द एयरपोर्ट बने और यहाँ पर फ्लाइट आए.
तो वो उनकी कोशिश की वजह से आज ट्रायल लैंडिंग हुई है। हमें ये उम्मीद है जल्द से जल्द रेगुलर फ्लाइट भी शुरू होंगी। लोग आज की एयरक्राफ्ट को देखकर सेटिस्फाई नहीं है तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये ट्रायल लैंडिंग है, इसके बाद जब रेगुलर फ्लाइट होगा तो उसके बाद ये तो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये पिछले 4 साल से कोशिश चल रही है, अब जाकर अप्रूवल मिला है इसको, उसके बाद ये हो रहा है। जो वहाँ खरगे साहब हैं बोलकर अभी इसलिए वहाँ पर यहाँ पर आज परमिशन मिला है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों को जो PUC पास है वो बच्चों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। PUC के बाद पायलट बनने का यहाँ पर ये होगा। एशियन पैसिफिक एरो स्कूल के नाम से एक स्कूल यहाँ पर शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ 1 महीना या 1.5 महीने 2 महीने में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर PUC के बाद हमारे पास बच्चे यूजुअली हमेशा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा जाते थे, अब बच्चों का माइंड डाइवर्ट होगा, यहाँ से हमारे शहर से भी बच्चे पायलट बन सकेंगे। This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohal Darbar, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, and by Madina Chicken World.